हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश फड़क का गांव में और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि गंगा के कटाव का दंश यह गांव झेल रहा है इस गांव का दर्जनों घर इस गंगा नदी में अब तक समा चुका है और जो ग्रामीण हैं जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं उसके बाद अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार की नींद टूटी है और इस गांव को बचाने के कवायद में जिला प्रशासन जुटी और सत्रह करोड़ अड़सठ लाख रुपया इस गांव को बचाने के लिए आवंटित किया गया है यहां के कुछ ग्रामीण हैं उनसे सीधे बात करते हैं अब सत्रह करोड़ रुपया सत्रह करोड़ अड़सठ लाख रुपया लगाकर इस गाँव को बचाने की कवायद शुरू हुई है जी हाँ मुझे भी ऐसा जानकारी हुआ है पेपर के माध्यम से कि सत्रह करोड़ अड़सठ लाख रुपया यहाँ आवंटित की गई है लेकिन हम सरकार से ये न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह जो राशि आवंटित की गई है इसका हंड्रेड वन परसेंट काम हो ताकि ये गांव सुरक्षित रहे क्योंकि हम लोग यहाँ से सारा सामान को कहीं और पर भेज दिए हैं क्योंकि रहने के लिए भी आपते आप तो कटने लगेगा तो फिर सामान भी नहीं निकाल पाएगा आदमी तो हमें... एक चीज़ बताइए अब तक आपके गाँव में कितना घर इस गंगा नदी में हमारे गाँव में तो सैकड़ों घर समाहित हो चुका है और अभी भी कितने घर नदी के किनारे मतलब कि कटाव के ही समीप में है अगर ये नहीं काम अच्छा से होगा तो वो भी चला जाएगा तो हम सरकार से चाहेंगे कि अब जो काम हो तो वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हो और इस पर ढंग से हो काम अच्छे से हो युवा हैं क्या लग रहा है सत्रह करोड़ अड़सठ लाख रुपये आ चुका है आवंटित हो चुका है अब काम शुरू होने वाला है लग तो रहा है कि अब कुछ पहले से अच्छा होगा और हम लोग को बेहतर सुविधा मिलेगा जिससे कि बचे हमारे गाँव जैसे बोल मालूम चला कि सत्रह करोड़ अड़सठ लाख जो राशि पास हुई है हम लोग युवा के भविष्य के लिए ये अच्छा खबर है कि गांव बचेगा और जो कटा तो कटा लेकिन अब नहीं कटने की संभावना है कुछ राहत मिलेगी और इसलिए निवेदन है कि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो ताकि बरसात के मौसम से पहले वह काम खत्म हो जाए बरसात के मौसम से पहले यह काम समाप्त हो जाए आपने अपने गांव का कटाव देखा है कैसा मंजर रहता है जब कटाव होने लगता है तो। बहुत भयानक स्थिति रहती है सर और यहाँ पे आप लोग तो आते हैं वे देवे कोई नेता तक यहाँ देखने तक ही नहीं आते हैं जो सांसद हैं अजय मंडल वो तो एक बार झांकने के लिए भी नहीं आए यहाँ पे कि हाँ कैसा स्थिति है गांव का देखे थोड़ा और जैसा कि अभी भी स्थिति है कि दिन पर दिन घर बैठते जा रहा है जैसे कि इस साइड का घर किसी का भी घर में कोई सामान तक नहीं है एक भी सामान नहीं है सब खाली कर दिया गया है और ये ये जो रोड गया है ये रोड जोड़ता था एन एच से ये भी कट चुका है गांव का बहुत बुरा स्थिति है अभी घर में कोई सामान तक भी नहीं है ऐसे इससे पहले जो काम हुआ था वो भी काम खत्म हो चुका लेकिन सही से नहीं हुआ था इसलिए सब कट गया कुछ नहीं बचा है ये सब तो हम आपको बता दें कि गंगा नदी में जब पानी जलस्तर बढ़ता है तब भी कटाव होता है और जब गंगा नदी का जलस्तर घटता है तब भी कटाव होता है और इस कटाव का दंश यहाँ के गांव वाले झेलते हैं लेकिन अंत भला तो सब भला वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है और अब इतनी इतना दंश झेलने के बाद इस गांव को बचाने की कवायद शुरू हुई है और सत्रह करोड़ अड़सठ लाख रुपया आवंटित भी किया गया है उम्मीद है जल्द से जल्द इस गांव को बचाने का काम शुरू होगा और यह गांव नक्शे पर टिका रहेगा अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर शबौर भागलपुर